चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टर्मिनोलॉजी, गवर्नर का टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपका हाइट ऑफ गवर्नर, ठीक है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एच से डिनोट करेंगे, स्मॉल एच से। तो ये हाइट ऑफ गवर्नर क्या होता है, देखो ये जो ये क्या है आपका, ये स्पिंडल है, ये स्लीव है, और ये आर्म है, और ये फ्लाईबॉल है, ठीक है। तो जो फ्लाईबॉल को सेंटर का डिस्टेंस होता है, और जहाँ पे आर्म क्या होते हैं आपस में क्रॉस होते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ से ऐसे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों आर्म क्या हुआ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इंटरसेक्टर का जो हाइट है वर्टिकल हाइट, और ये वर्टिकल हाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ द फ्लाईबॉल, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो देखो यही चीज़ लिखा हुआ है, इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ गवर्नर बॉल। देखो शॉर्ट में लिख रहा हूँ जी ओ वी डॉट, ठीक है। तो ये क्या है, गवर्नर बॉल टू अ पॉइंट, ठीक है ना, ऑन द स्पिंडल एक्सिस, और स्पिंडल एक्सिस वेयर द एक्सिस ऑफ आर्म इंटरसेक्ट। तो एक्सिस ये देखो ये है स्पिंडल एक्सिस, ठीक है, और स्पिंडल एक्सिस पे ही क्या होता है, आर्म जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ से जो इस तरीके का वर्टिकल डिस्टेंस, और जो सेंटर ऑफ द बॉल का डिस्टेंस है वही क्या है, हाइट ऑफ गवर्नर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रेडियस ऑफ गवर्नर। रेडियस ऑफ गवर्नर क्या है, जिसको आप स्मॉल ए आर से डिनोट करोगे, ठीक है। रेडियस ऑफ गवर्नर, इट इज़ द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बॉल एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए एक्सिस ऑफ द रोटेशन, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है आपका, ये जो था यही क्या है आपका, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और सेंटर ऑफ द बॉल, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है आपका, रेडियस है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ठीक है, वो क्या था आपका, वर्टिकल डिस्टेंस, क्लियर है। अब देखिए थर्ड वन है आपका स्लीव लिफ्ट, तो स्लीव कितना लिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से मान के चलो कोई यहाँ पे क्या है आपका, जो इक्विलिब्रियम स्पीड है, मान के चलो इक्विलिब्रियम स्पीड है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से अगर मान के चलो लोड इंक्रीज होता है तो क्या स्लिप आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में जो हाइट इसका ट्रेवल करेगा, ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल एच से डिनोट करेंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग स्लिप लिफ्ट, कितना लिफ्ट किया है स्लिप। तो देख लो, इट इज़ अ वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्लिप, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्लिप ऑन द स्पिंडल, ये आपका क्या है, स्पिंडल पे कितना वो वर्टिकल लिफ्ट किया है ड्यू टू चेंज इन इक्विलिब्रियम स्पीड। जब आपका इक्विलिब्रियम स्पीड चेंज हो रहा है तो स्लिप आपका अप और डाउन जो जाएगा वो कितना लिफ्ट कर रहा है, क्लियर। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम स्पीड क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम स्पीड क्या है आपका, द स्पीड एट विच गवर्नर बॉल, देखो गवर्नर बॉल आर्म और स्लीव एक्सेट्रा आर इन कंप्लीट मैकेनिकली इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, मतलब कि जितने भी आपका फोर्सेस हैं, मोशन है, और भी ये सारे केस में है आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, एंड देयर इज नो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्लीव अलॉन्ग द स्पिंडल एक्सिस, मतलब कि कोई भी ऐसा स्पीड जहाँ पे कोई भी अप एंड डाउन नहीं हो उस स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि सब जगह से इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो उस पोजिशन पर हम लोग क्या बोलते हैं, उसका इक्विलिब्रियम स्पीड है, किसका, गवर्नर का, क्लियर है। तो ये है आपका चार टर्मिनोलॉजी, और भी एक दो देखते हैं, तब तक इसको आप लोग नोट डाउन करिए। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं हम लोग मेन इक्विलिब्रियम स्पीड, ठीक है। तो मेन इक्विलिब्रियम स्पीड क्या होता है, इट इज़ द मेन स्पीड ऑफ द गवर्नर, जो आपका मेन स्पीड ऑफ द गवर्नर होगा, और इट इज़ द एवरेज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, फ्लाईव्हील में भी देखे थे हम लोग। क्या होता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड के को अगर दो से डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या निकल जाता है, एन मीन, क्या है ये आपका, एन मीन, ठीक है ना, मेन स्पीड ऑफ द गवर्नर, जो कि क्या होगा, एन वन प्लस एन टू अपॉन टू, और एन वन एन टू क्या डिनोट करता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड इन आरपीएम, स्पीड है तो आरपीएम में ही लेंगे इधर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखो दो टाइप का फोर्स होता है, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, दूसरा होता है सेंट्रीपिटल, ठीक है। अगर एक्सियली आउटवर्ड कोई फोर्स लग रहा है, जैसे कहने का मतलब कि अगर मान के चलो ये एक्सियल है ऐसे, अगर इससे बाहर की ओर फोर्स लग रहा है तो ये हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर एक्सियली इनवर्ड लग रहा है, अंदर की ओर एक्सियली लग रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल।
क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल। तो इस केस में जैसे आपका स्लीव मूवमेंट करेगा तो ये फोर्स किधर की ओर लगाएगा, एक्सियली आउटवर्ड, इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो यही चीज़ देखिए, द फोर्स विच इज रेडियली एक्टिंग अवे फ्रॉम द एक्सिस, कहाँ होगा, अवे फ्रॉम द एक्सिस, इस एक्सिस की कहाँ निकलेगा, बाहर की ओर लगता है, ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आपको फार्मूला पता है क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, अगर इस v को मैं एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करूं तो कितना होगा, v इक्वल टू r इंटू ओमेगा। ठीक है, r इंटू ओमेगा यहां पे पुट कर दो तो क्या हो, r स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, r r फिर कैंसिल आउट हो गया, तो mr इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यही है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कितना आ गया, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यही कभी कभी कंसिडर किया जाता है फ्लाईबॉल ऑफ द बॉल, क्या बोला जाएगा इसको, फ्लाईबॉल मास ऑफ द फ्लाईबॉल, क्या बोला जाएगा, मास ऑफ फ्लाईबॉल। ठीक है, मास ऑफ द फ्लाईबॉल। ठीक है, चलो इसको आप लोग नोट डाउन करो, और भी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारा, दो टर्मिनोलॉजी और है, चलो देखो क्या है ये, सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर, क्या होता है सेंसिटिवनेस। तो सेंसिटिवनेस क्या होता है कि जो आपका मैक्सिमम रेंज होगा, रेंज ऑफ द स्पीड। ठीक है, तो रेंज ऑफ स्पीड अपॉन मा मीन स्पीड, तो वो उसी को हम लोग बोलते हैं सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर। देखो यही चीज़ लिखा हुआ है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड, जिसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, एन वन क्या है आपका मैक्सिमम स्पीड, एन टू क्या है आपका मिनिमम स्पीड, और एन मीन है, ठीक है ना, ये क्या है आपका मीन स्पीड, मीन स्पीड। ठीक है, तो क्या है आपका सेंसिटिवनेस, क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम टू द इक्विलिब्रियम स्पीड, टू द मीन इक्विलिब्रियम स्पीड। तो मीन क्या है आपका, एन मीन आपको पता है, और एन मीन किसके बराबर होता है, एन मीन ये सब पता है आप लोगों को, क्या है, एन वन प्लस एन टू अपॉन टू। ठीक है, तो एन वन प्लस एन टू अपॉन टू, एन मीन, ठीक है, एन वन प्लस एन टू अपन टू, यहाँ पुट कर दोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ से पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, टू आएगा ऊपर, तो टू एन वन माइनस एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू, यही आएगा। तो यही है आपका सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर, क्लियर ये फार्मूला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर। तो स्टेबिलिटी किसको बोला जाएगा, कि जो आपका स्पीड है एक कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पे चले, तो उस टाइम पे जो रेडियस होगा, जैसे मान के चलो एक रेंज होगा, और उस रेंज पे जब ये रेडियस है, अब देखो रेडियस बढ़ेगा कैसे, मान के चलो ये ऊपर की ओर जाएगा, तो ये जो फ्लाईबॉल का सेंटर है वो ऊपर वो ओर जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, तो मान के चलो बॉल यहाँ पहुँच गया, तो इसका जो रेडियस है वो चेंज हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इस केस में जैसे ही भी आपका स्पीड बढ़ेगा तो जो फ्लाईबॉल है वो ऊपर की ओर जाएगा, स्लीव ऊपर जाएगा, तो क्या होगा उस टाइम पे रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा एक रेंज होगा जहाँ पे ये जो रेडियस है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो उस कांस्टेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पे रेडियस ना चेंज हो। और रेडियस कब नहीं चेंज होगा, जब आपका स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड में चलेगा। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर, क्या बोलेंगे उसको, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर। देखो इसको, गवर्नर इज सेड टू बी स्टेबल, देखो गवर्नर है ये, गवर्नर इज सेड टू बी स्टेबल व्हेन फॉर एवरी स्पीड, कोई भी स्पीड पे विथ इन वर्किंग रेंज, किस में, वर्किंग रेंज में, एक रेंज होगा, मान लो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक अगर स्लीप मूवमेंट कर रहा है, स्लीप ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो रेंज होगा यहाँ तक आपका जो रेडियस होगा आर, वो मान के चलो कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, तो उसी रेंज के बारे में बात हो रहा है, वर्किंग रेंज, देयर इज अ डेफिनेट कॉन्फिग्रेशन, और कॉन्फिग्रेशन में क्या क्या हो सकता है, ओनली वन रेडियस, केवल आपको जो रेंज चल रहा है वहाँ पे केवल एक ही आर मिले। ठीक है, एक ही रेडियस ऑफ द रोटेशन ऑफ द गवर्नर बॉल, ठीक है ना, क्या होगा, रेडियस ऑफ द गवर्नर बॉल विच इज गवर्नर इज इन इक्विलिब्रियम, तो वो गवर्नर उस टाइम पे किस में होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। ठीक है, चलो तो ये है आपका दो टर्मिनोलॉजी, और भी हम लोग टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, तब तक इसको नोट डाउन कर लें। चलिए कुछ और टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं हम लोग, क्या है आपका आइसोक्रोनस गवर्नर एंड हंटिंग। ठीक है, तो आइसोक्रोनस गवर्नर के केस में क्या होता है,
कि जब आपका मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड क्या हो जाता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो देखो वही चीज़ लिखा हुआ है, अ गवर्नर इज सेड टू बी आइसोक्रोनस व्हेन द इक्विलिब्रियम स्पीड इज कांस्टेंट। क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम स्पीड इज कांस्टेंट फॉर ऑल रेडियाई ऑफ रोटेशन। कितना भी इसका रेडियस बढ़ जाए लेकिन जो आपका इक्विलिब्रियम स्पीड है वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। इसका रेडियस बढ़े, कितना भी बढ़े या घटे, तो लेकिन जो आपका रेंज ऑफ स्पीड है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। रोटेशन ऑफ द गवर्नर बॉल विद इन द वर्किंग रेंज, इस वर्किंग रेंज में जितना भी आपका मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, वो जीरो के बराबर हो जाएगा। जैसे वही चीज़ लिखा हुआ है, अगर मैं, और हाँ एक चीज़ और, अगर मैं फ्रिक्शन को क्या कर दूँ, नेगलेक्ट कर दूँ, नेगलेक्टिंग फ्रिक्शन। एक बार और समझिए, अ गवर्नर इज सेड टू बी आइसोक्रोनस व्हेन द इक्विलिब्रियम स्पीड इज कांस्टेंट फॉर ऑल रेडियाई। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ, कि इक्विलिब्रियम स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगा किसी भी रेडियाई पे। मान के चलो ये ऊपर भी जाए और नीचे भी जाए, उसका जो इक्विलिब्रियम स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगा, क्लियर। चलिए, कांस्टेंट फॉर ऑल रेडियाई विद इन द वर्किंग कंडीशन, वर्किंग रेंज, जो आपका वर्किंग रेंज था। मान के चलो यहाँ पे एक स्टॉपर लगा हुआ था और इस पॉइंट पे एक स्टॉपर, तो ये इसका वर्किंग रेंज में जो n1 - n2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो दैट इज देख लो। और एक और चीज़, आइसोक्रोनस इज द स्टेज ऑफ इन्फाइनाइट सेंसिटिविटी। क्या हो जाएगा, उसका जो सेंसिटिविटी है वो क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा। मतलब कि सेंसिटिविटी, क्या कहने का मतलब है कि अगर थोड़ा सा भी आप उसको छू रहे हो तो पूरा एकदम अप एंड डाउन स्लिप होने लग रहा है, यानी कि थोड़ा सा भी फ्यूल सप्लाई हो रहा है तो ऊपर नीचे हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिवनेस हो गया है, ठीक है। तो उस केस में इन्फाइनाइट सेंसिटिविटी बोला जाता है, ठीक है। और आगे देखो क्या हो जाएगा, इसमें n1 - n2 करोगे तो क्या हो जाएगा, n1 - n2 जीरो हो जाए, यानी कि फॉर ऑल रेडियाई क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट यानी जीरो। तो और इसको अगर लिए जाओगे तो n1 + n2 यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जा रहा है, यानी कि n1 मैक्सिमम और इक्वल टू मिनिमम स्पीड, ठीक है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैक्सिमम और मिनिमम हमेशा बराबर हो जाए, ठीक है ना, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। और जो पोर्टर गवर्नर कैन नॉट बी आइसोक्रोनिज्म, जो पोर्टर गवर्नर है वो कभी भी आइसोक्रोनिज्म नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपका आइसोक्रोनस गवर्नर, ठीक है। तो ये चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हंटिंग क्या होता है। तो हंटिंग क्या होता है कि जैसे भी आपका जो स्टॉपर लगा हुआ है इसके बीच में ऐसे स्लिप मूवमेंट करेगा कि इस स्टॉपर को टच करेगा। ये कब होगा, जब फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड होगा। अगर फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है तो ये क्या होगा, बार बार इसको मूव करेगा और इस स्टॉपर को जाकर वो हिट करेगा, तो इसी को हंटिंग बोला जाता है। देखिए, अ गवर्नर इज सेड टू बी हंट इफ द स्पीड ऑफ द इंजन इज फ्लक्चुएट कंटिन्यूसली। इसका स्पीड क्या हो जाए, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, अबव एंड बिलो द मीन स्पीड, जो मीन स्पीड इसका चल रहा होगा इक्विलिब्रियम स्पीड, और इससे क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उस केस में क्या हो रहता है, हिट करता है उस स्टॉपर को, ठीक है। इसी को हंटिंग बोला जाता है। दिस इज ड्यू टू लार्ज सेंसिटिवनेस, कहने का मतलब कि लार्ज सेंसिटिवनेस है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही इस पर थोड़ा सा फ्यूल सप्लाई हुआ ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गया, थोड़ा सा भी स्पीड बढ़ता है तो ये जाके हिट कर देता है ऊपर, ठीक है, घटता है तो डायरेक्ट नीचे जाके हिट कर देता है, तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिवनेस है। सेंसिटिवनेस क्या होता है, जैसे किसी बच्चे को ऐसे छू दिए, ठीक है, और वो रोने लग जाए तुरंत, ठीक है, फिर तुरंत वो हंसने भी लग जाए, तो उसी चीज़ को बात कर रहे हैं कि ज़्यादा अगर सेंसिटिवनेस है तो इसका क्या होगा, बार बार वो हिट करेगा स्टॉपर को जाके, ठीक है, उसी को हंटिंग बोलते हैं। लार्ज सेंसिटिवनेस ऑफ द गवर्नर वे चेंज द फ्यूल सप्लाई, अगर थोड़ा सा भी स्पीड बढ़ा, लोड बढ़ा, तो हमने उसमें फ्यूल सप्लाई किया तो क्या हो गया, एक ही बार ज़्यादा फ्यूल सप्लाई हो गया और जाके हिट कर दिया ऊपर, ठीक है। फ्यूल सप्लाई बाय द लार्ज अमाउंट, अगर थोड़ा सा भी स्पीड बढ़ता है तो मतलब लोड बढ़ा तो क्या होगा, एक ही बार फ्यूल सप्लाई किया तो जाके हिट कर दिया उसको, ठीक। व्हेन ए स्मॉल चेंज इन द स्पीड ऑफ रोटेशन, अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है तो वो उसका फ्यूल सप्लाई ज़्यादा दे दे रहा है, ठीक है, या कम कर दे रहा है बिल्कुल। तो इस केस में क्या हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज होने के कारण जो स्लीव रहता है वो स्टॉपर को जाके क्या करेगा, हिट करेगा, ठीक है। तो अगर ज़्यादा सेंसिटिवनेस हो जाएगा तो इस स्टॉपर को तोड़ भी सकता है, ठीक है, तो आपका गवर्नर उस केस में क्या होगा, फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका आइसोक्रोनिज्म और ये रहा आपका
हंटिंग, ठीक है। चलो इसको, ये लास्ट था आपका आपका टर्मिनोलॉजी। अब हम लोग एक वाट गवर्नर देखेंगे, उसके पूरे डेरिवेशन करेंगे और फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम भी किया जाएगा।